दोस्तों, जिस सुपर हीरो को आधा भारत काफी अरसे से भूल गया था, आजकल वो सभी लोग इस वक्त इसी सुपर हीरो का नाम हर जगह जप रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्तिमान की, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं जो कि उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, बल्कि उन शक्तिमान फैंस के लिए भी जो अरसे से शक्तिमान का वेट कर रहे हैं। और उन्हीं फैंस में मैं भी एक ऐसा फैन हूँ जो शायद 90 के दशक में कोई भी ऐसा रविवार रहा होगा जिसमें मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि आज दोपहर 12 बजे मुझे शक्तिमान देखना है। देखो, बीते दिनों में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी है इस शक्तिमान से रिलेटेड, जो शुरू हुई थी मुकेश खन्ना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने शक्तिमान के गेटअप में पत्रकारों के कुछ सवालों का जवाब दिया था कि आखिर शक्तिमान वापसी कब कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो ये 7 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो जो उन्होंने डाला है जिसमें वो बच्चों के साथ एक ज्ञानवर्धक क्विज खेल रहे हैं, तो उसका रीजन आखिर है क्या। लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि शक्तिमान एक बार फिर से वापस आ रहा है और मुकेश खन्ना एक बार फिर से शक्तिमान बनने वाले हैं, वो भी 60 साल की एज में, जिसकी वजह से आज की युवा जनरेशन और मीडिया उन्हें ट्रोल करने लगी। तो कल दोबारा से मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वाकई में उस वीडियो को बनाने का और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलीज करने का एक्चुअल रीजन क्या था। अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने जो ये वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो पहले एज अ मुकेश खन्ना ही अपीयर होना चाहते थे, पर उन्होंने शक्तिमान का गेटअप इसलिए लिया कि आजकल के बच्चे गंभीरता से इस क्विज को समझेंगे और उनकी बात को सीरियसली लेंगे, पर दुर्भाग्यवश हुआ उसके टोटली विपरीत, जहां एक और लोगों ने उनकी उम्र पर सवालिया निशान उठा दिए, वहीं लोग ये भी प्रिडिक्ट करने लगे कि आने वाली शक्तिमान मूवी में जो वो प्लान कर रहे थे उसमें वो खुद ही शक्तिमान बनेंगे। पर मुकेश खन्ना ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि भाई कि वो अब शक्तिमान नहीं बनने वाले, आने वाली फिल्म के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जो कि सोनी पिक्चर्स के साथ वो बनाने वाले हैं, जिसके लिए नए शक्तिमान की तलाश अभी भी जारी है, और वो भी इस बात को मानते हैं कि नया शक्तिमान इस नई पीढ़ी का होगा जिसको ओरिजिनल शक्तिमान अपनी लेगेसी देगा, जिसकी वजह से आगे चलकर वो शक्तिमान ओरिजिनल शक्तिमान से बेहतर बनने की कोशिश करेगा, जैसा कि हम सब चाहते भी हैं। उन्होंने अपनी ये सारी क्लियरिफिकेशन एक सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए भी दी है, और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल दिया जिसमें उन्होंने काफी अफसोस भी जताया कि जो लोग शक्तिमान के लिए इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वही कुछ वक्त पहले जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब उसे, यानी कि यही लोग उस वक्त शक्तिमान को सिराखों पे बिठा रहे थे। तो मुकेश खन्ना की नजर में ये सिर्फ चंद व्यूज को इकट्ठा करने के लिए एक प्रयास है यूट्यूबर्स का, जिसका शिकार सिर्फ मुकेश खन्ना ही नहीं बल्कि शक्तिमान भी हो रहा है, उस शक्तिमान का जिसके साथ हम सबकी बचपन की यादें हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा ना हो कि मुकेश जी का हौसला टूट जाए और वो फिल्म बनाने का विचार अपने दिलो दिमाग से हटा दें। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको ये फिल्म बनानी चाहिए, और एज अ फैन हम सब आपका सपोर्ट भी करेंगे इस चीज के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को थोड़ा दिमाग से किनारे रख दो तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें नुकसान शक्तिमान का या मुकेश खन्ना का नहीं बल्कि हमारा है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के चलते हो सकता है कि हम अपने इस फेवरेट सुपर हीरो की मूवी देखने से वंचित हो जाएं। बट हम दिल से चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बस हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप एक बेटर प्लान और एक अच्छी अनाउंसमेंट के साथ हमारे सामने वापस आएंगे और एक बार फिर से हम बड़े पर्दे पर शक्तिमान को देखेंगे और हम प्राउड से कहेंगे कि जी हां, यही है शक्तिमान, हमारा पहला फेवरेट इंडियन सुपर हीरो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।